खेड़ली कस्बा क्षेत्र के 133 केवी विद्युत स्टेशन के अंतर्गत आने वाले 11 सब विद्युत स्टेशनों में ठेकेदार के माफत कार्यरत 33 कर्मियों ने कई महीने से वेतन नहीं मिलने की शिकायत करते हुए खेड़ली बिजली घर पर विरोध प्रदर्शन किया और सहायक अभियंता को ज्ञापन दिया। इन कार्मिकों का कहना है कि वे सभी ठेकेदार को संपूर्ण उचित दस्तावेज जमा कराकर विगत 8 वर्षों से कार्यरत है, जिन्हें न तो उचित मानदेय दिया जाता है और न ही पीएफ, जबकि इन्हें नियुक्ति के समय पीएफ देने का वायदा ठेकेदार द्वारा किया गया था। इन वर्षों में कई बार ठेका लेने वाली फर्म में ठेकेदार बदल गए, लेकिन अभी तक ना तो उचित मानदेय दिया गया और ना ही पीएफ, बल्कि शीघ्र भुगतान करने का झांसा देते रहे हैं। ठेकेदार द्वारा इन्हें कोई नियुक्ति पत्र भी नहीं दिया गया और ना ही कोई परिचय पत्र, जिससे युक्त कार्मिकों की पहचान विद्युत कर्मियों के रूप में हो सके। आश्चर्यजनक ये भी है कि विद्युत विभाग में भी इन कार्मिकों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक सब स्टेशन पर 3 कार्मिक कार्य कर रहे हैं, जिनका ना तो कोई उपस्थिति रजिस्टर है और ना ही ड्यूटी चेंज विवरण पंजिका है। अपनी जान हथेली पर रखकर कार्य करने वाले इन कार्मिकों के पास विद्युत सब स्टेशनों पर उपलब्ध रहने वाली किट सुरक्षा उपकरण भी नहीं है। विचारणीय है कि यदि किसी कार्मिक के साथ कोई हादसा हो जाए तो उसका विद्युत कार्मिक प्रमाणित होना संदेहास्पद है। कुछ कार्मिकों का कहना है कि यदि सब स्टेशन पर कोई खराबी हो जाती है तो सूचना पर भी कोई टीम वहां नहीं पहुंचती है। ठेके पर कार्यरत कार्मिकों ने इन सभी समस्याओं को लेकर खेड़ली बिजली घर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सहायक अभियंता को ज्ञापन देकर उचित कार्यवाही की मांग की, अन्यथा कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। इधर मोहित कटियार सहायक अभियंता खेड़ली ने बताया कि मैंने अभी 16 अगस्त को ही ज्वाइन किया है, पिछले 3 दिनों में मैंने सभी सब स्टेशनों का दौरा किया तो किसी ने भी इस तरह की कोई शिकायत नहीं की। आज ज्ञापन द्वारा इनकी समस्या ज्ञात हुई है, जिसमें वेतन ना मिलने की शिकायत उचित है। इस संबंध में ठेकेदार से बात कर शीघ्र भुगतान कराया जाएगा।